इंटरनेट पे जहाँ पर देखो एक चीज़ अपलोड हो रही है यहाँ पर कि ऑल आइज ऑन राफा, और जब कोई चीज़ गलत होती है तो लोग उसके लिए आवाज़ उठाते हैं, जो जेनोसाइड हुआ बिल्कुल गलत था। लेकिन उसी टाइम पे कुछ लोगों ने अपने प्रोपोगंडा स्टार्ट कर दिए जहाँ पर लिखा जा रहा है कि ऑल आइज ऑन हिंदूज़ इन पाकिस्तान, ऑल आइज ऑन हिंदूज़ इन बांग्लादेश, और कुछ लोग लिख रहे हैं कश्मीरी पंडित के बारे में। यार एक बात बताओ, मैंने अभी देखा कुछ लोगों ने तृप्ति डिमरी को टैग किया, प्रीचा चड्ढा को टैग किया, सौरभ भास्कर को टैग किया कि वो लोग कश्मीर मुद्दे पे क्यों नहीं बोले। उनके सामने कश्मीर मुद्दा जब हुआ होगा जब इंटरनेट नहीं था, आपके प्रिय पापा ने इंस्टाग्राम उस टाइम पे नहीं बना दिया था कि वो लोग पोस्ट करते। अभी है, वो यूज़ कर रही हैं अपने पावर, पावरफुल लेडीज़ हैं जो इतना बोल रही हैं, या जो भी इंसान पोस्ट कर रहे हैं उस बारे में पावरफुल लोग हैं, कम से कम उनके मुँह में ज़बान तो है जिस बारे में बोल रहे हैं। तो अगर आप उस चीज़ को रिलेट करते हो तो कहाँ से रिलेट करोगे। और एक और चीज़, मैंने ना कुछ और भी चीज़ सर्च करी, वहाँ पर लिखा जा रहा था कि ऑल आइज़ ऑन पाकिस्तान, तो जो पाकिस्तान में रेप हुए हैं लड़कियों के साथ, हिंदू लड़कियों का स्पेशली, वहाँ मेंशन किया गया, मैंने मेंशन नहीं किया। तो जो मैंने न्यूज़ में देखा, वो जो मैं जो केसेस मिले, मुझे एक केस मिला है 3 साल पहले का, एक केस मिला है 4 साल पहले का, एक साल पहले का, और जो 40 लोग कन्वर्ट होने की बात है वो है 3 साल पहले की। मैंने आज मई में सारे रेप के बारे में सर्च किया, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। मैंने नहीं सुना गया इसके वहाँ पर कुछ ऐसा होता है, अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत गलत है, और वहाँ के पाकिस्तान के जो भी आर्टिस्ट हैं या जो भी सेलिब्रिटीज़ उनको बोलना चाहिए इस बारे में भी, वो बात है। लेकिन पहले आप उस बात से मुझे से भटके नहीं, जो चीज़ हो रही है उस चीज़ को लेकर आएँ, और जो बात चल रही है उसके बारे में बात करें हम। और पता है ये वही लोग हैं जो बोल रहे हैं ना, जो पाकिस्तान के बारे में बोल रहे हैं, भटकाने के मुद्दे से बात कर रहे हैं, दूसरी चीज़ों को लेकर आ रहे हैं, वही हैं जो मणिपुर के मामले में चुप बैठे हुए थे। क्यों? वहाँ पे आपकी सरकार चुप थी इसलिए। यार वहाँ पे भी तो कोई बोल देना। या फिर अभी जो हो रहा था, अभी एक बंदी, आपको पता है वहाँ पे एक अभी लड़की है जिसको एम्बुलेंस से गिर के जो मर गई है, जो भी रेप विक्टिम थी, जहाँ पर बीजेपी के कुछ नेताओं के नाम आए थे या सदस्यों के नाम आए थे, उनके लिए क्या बोला आपने? कुछ बोला नहीं ना, वो तो आपको दिखा नहीं होगा। आपको अभी क्या दिख रहा है, राफा के लिए सब लोग पोस्ट कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए पोस्ट कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप भेज रहे हैं कि ऑल आइज ऑन हिंदूज इन पाकिस्तान। गाइस कितनी न्यूज़ आती हैं वहाँ से, मुझे तो नहीं मिलती हैं। आप कहाँ से ढूंढ के निकाल रहे हो यार, हम लोग को भी सर्च करो न्यूज़ के बारे में, तो वहाँ की सरकार के बारे में बात की जाए, वहाँ से भी बात की जाए, और वहाँ के सेलिब्रिटीज़ को भी पोस्ट करना चाहिए। एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको, मैंने जो चीज़ नोटिस करी थी वहाँ पे, कि जो भी 2 इंसिडेंट हुए थे हिंदू लड़कियों के लिए, जो माइनॉरिटी के लिए नोटिस हुए थे, उसके खिलाफ पूरे वहाँ पे उनके शहर के ऊपर मोर्चा हुआ था, और उसके बाद उन विक्टिम्स को पकड़ा गया। एक विक्टिम के बारे में तो ये बताया गया था, उसको इनकाउंटर भी कर दिया गया था उसी टाइम पे। और ये 2 साल और 1 साल पहले की न्यूज़ है, लेकिन आपने वो तो नहीं लिखा उसके अंदर। अगर किसी कोई भी कंट्री के अंदर गलत हालत में तो गलत हो रहा है, जो राफा में वो भी गलत है, लेकिन हमारी कंट्री में भी गलत हो रहा है, उसके लिए भी आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन आप लोग सिर्फ लिख रहे हो ऑल हिंदूज इन पाकिस्तान इन बांग्लादेश, क्या भाई, मत करो ये चीज़ें, नफरत वाली चीज़ें, जेनोसाइड गलत हुआ है। तो बस ना, ये धर्म की राजनीति से ऊपर आ जाओ। ये वो लोग हैं जो कठुआ में जब हुआ था रेप, तो वहाँ के जो कल्प्रेट था उसको आज़ाद करने के लिए वो नारे लगा रहे थे, या फिर जो हाथरस के अंदर पूरे सबूत मिटा दिए गए, और उस लड़की की जो उसका रेप हुआ था उसको पता भी नहीं चला कि उनके जो जिसने रेप किया था वो कल्प्रेट अभी तक पकड़ा है या नहीं पकड़ा है। ये वो लोग हैं जो उनके सपोर्ट में बोल रहे थे। तो गाइस धर्म की राजनीति करना बंद करें, जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, जेनोसाइड कहीं भी गलत होता है। जलियांवाले बाग को आप कभी सही नहीं बोल सकते हो, हिटलर ने जो गैस चेंबर खोले थे आप उसको कभी सही नहीं बोल सकते हो। सेम चीज़ अगर आप सेफ जोन में बुला के उसको बमबार वहाँ पर अगर आप बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हो या बॉम्ब फेंक रहे हो, तो वो भी सही नहीं हो सकता है ना, एयर स्ट्राइक वहाँ पर सही नहीं हो सकती है, समझो भैया। जो चीज़ हुई है, बच्चे वहाँ पे बच्चे मर रहे हैं और कब से मरे आ रहे हैं। आपको अभी आज सबने मुंह खोलना शुरू कर दिया, सबने अगर बोलना शुरू कर दिया, आपको बुरा लगने लगा क्या? क्योंकि आप और हम वहाँ पर नहीं हैं। अगर आप और हम होते, अगर हमारे भाई बहन होते, हमारे बच्चे होते, तो मुझको समझ आ रहा होता वहाँ पे, वो दर्द अच्छे से एहसास होता। कल वो हैं, आज मतलब आज वो हैं, कल हम भी हो सकते हैं, क्योंकि नफरत तो हर जगह ही फैल रही है ना। तो गाइस प्लीज़ जो सही है वो करो, प्रोपोगंडा मत यूज़ करो अभी, और हिंदू मुस्लिम करना बंद करो अपने देश में भी और किसी दूसरे देश में भी। थैंक यू वेरी मच। काफ़ी रील्स बना दी, अगर समझ आएगा तो ठीक है, नहीं आया तो भक्तों का मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मुझे बोलना था, मैं बोल सकता हूँ, मेरा राइट है बोलने का, मैंने बोला। अब भक्तों को नहीं समझना है या आपको नहीं समझना है तो आप जाने, बहुत सारे लोगों ने ट्रेंड कर दिया, आपको भी कर सकता हूँ। थैंक यू।